नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हारमोनियम गुरु में। मैं गुरप्रीत सिंह एक बार फिर से हाजिर एक नया वीडियो लेके। तो दोस्तों, पिछले लेसन में आए थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक लेसन दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि गाना निकालने के लिए क्या प्रोसेस रहता है, तो उसी का ये सेकेंड पार्ट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ ऊपर आई बटन में मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया, आप पहले वो वीडियो देखिए और आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी से वो चीज़ समझ आएगी। बट फिर भी मैं आपको इस वीडियो में भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि गाने में क्या क्या होता है और आपको क्या करना होता है, पूरा गाना निकाला कैसे जाता है। देखिए, सबसे पहले चीज़ है कि आपको थोड़ी बहुत संगीत का बेसिक नॉलेज अगर है भी तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो भी चलेगा। इसमें क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ किस चीज़ का ज़्यादा रोल होता है। इसमें आपका जो रोल होता है वो आपका कान ट्यून होना चाहिए, मतलब आपके कान, आपको सुर पहचान होनी ज़रूरी है। आपको पहचान किस चीज़ की होनी ज़रूरी है? आवाज़ की पहचान होनी ज़रूरी है। देखिए, गाने के जो तीन भाग होते हैं, ठीक है, एक होता है मंद्र, मध्य और तार। दुनिया का कोई भी गाना हो उसके तीन भाग होते हैं। मंद्र बोले तो मैं इसको आपको इसका मतलब भी बता देता हूँ। मंद्र मतलब बोले तो लो फ्रीक्वेंसी या फिर लो आवाज, नीचे वाली आवाज। मध्य मतलब मिडिल, ठीक है। तार मतलब हाई, यानी कि ऊंची आवाज। आपको किस चीज की पहचान होनी चाहिए? सबसे पहले अगर आप गाना निकालना चाहते हैं हारमोनियम पे, तो आपको इस चीज की पहचान होनी चाहिए कि गाने की जो आवाज है वो लो में है या मिडिल में है या हाई में है, ठीक है। उसके बाद आपको संगीत के थोड़े बहुत बेसिक पता होना चाहिए, जैसे कि आपको पता होना चाहिए हारमोनियम में कितने सप्तक होते हैं, और हमारे संगीत में कितने स्वर होते हैं। ये अगर बेसिक पता है आपको तो आप आगे बढ़ सकते हैं, आप दुनिया का कोई भी गाना हारमोनियम या कीबोर्ड या पियानो किसी भी चीज पर निकाल सकते हैं। अभी देखिए, ये चीज मैं समझाने के लिए आपको एक चीज मैं यहाँ पे और बताना चाहूंगा। अगर आपके दिमाग में ये एक गलत सवाल आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि हम गाना एक ही बटन से निकाल सकते हैं और किसी बटन से नहीं निकाल, तो एक चीज आप ध्यान में यहाँ पे रख लें कि गाना कोई भी गाना हो, चाहे वो देशभक्ति गीत हो, चाहे वो भजन हो, चाहे कुछ भी हो, कहीं से भी निकल सकता है। अगर वो गाना, मैं एक गाना मान के चलिए, हम आज के इस वीडियो में हम देशभक्ति गीत की बात करते हैं, तो मान के चलिए मैं ये गाना निकाल रहा हूँ, मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये तय नहीं है कि आपका गाना वो यहीं से ही निकलेगा और कहीं से वो गाना बज ही नहीं सकता। गाना कहीं से भी हो सकता है, किसी भी स्वर से भी गाना आप निकाल सकते हो, वो निकालने वाले के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अभी आप देखिए, मैं आपको एक हल्का सा एक गाना सुनाऊंगा। आप देखिए इस मूवी में, कर्मा मूवीज में आपको गाना सुनाने जा रहा हूँ। सिंगर की आवाज़ सुनिए और उसको पहचानना है हमें कि कौन सी रेंज में। सबसे पहला हम ये स्टेप क्लियर करेंगे, लो मिडिल मीडियम, जब सॉरी मिडिल नहीं है, यहाँ पे मीडियम है, सॉरी मीडियम मीडियम यानी कि मध्यम है, ठीक है। आवाज पहचानेंगे सबसे पहले, ये काम करेंगे। देखिए, देखिए मैं ज्यादा नहीं गाना चला सकता क्योंकि यहाँ पे मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक भी मिल सकता है। तो इसमें आपने जी एक चीज देखी, आप उसके पीछे गाने की कोशिश। मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, तो मैं उसकी रेंज में गा रहा हूं, तो अभी मेरे को उसकी रेंज की पहचान हो गई कि वो बंदा कहाँ से गा रहा है। तो मैं वो ही चीज, अभी मैं इस चीज की पहचान करूंगा कि ये चल कहां पे रहा है। हारमोनियम के तीन पार्ट हमने बना लिए, पहला मंद्र, मध्य और तार। अभी हारमोनियम पे हम ये चीज खोजेंगे कि गाना चल कहां पे रहा। मेरा कर्मा, तो पहले ये देखें, मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, तो ये मैंने पहचान कर लिया कि ये जो गाना उठ रहा है मंद्र सप्तक के कोमल धा से गाना उठ रहा है। तो मेरे को अभी ये पता चल गया कि ये मेरा गाना मध्य में चल रहा है, मध्य के कोमल धा से मेरा ये गाना के बोल है उठ रहे हैं, जो ये सिंगर गा रहे हैं मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, ठीक है। अभी आपको गाने को ना तो यहां पे ढूंढने की जरूरत है ना तो आपको यहाँ पे ढूंढने की जरूरत है। सबसे पहली चीज आपको ये चीज, अगर आपको ये चीज आ गई ना,
तो आप दुनिया का कोई मर्जी गाना निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपको गाने की आवाज़ की पहचान होनी चाहिए कि गाना की जो आवाज़ है वो मंद्र में है कि मध्य में है कि तार में है। मतलब कि जो सिंगर वो गा रहा है क्या वो मंद्र सप्तक में गा रहा है, मध्य में गा रहा है कि तार में गा रहा है। उसके बाद आती है आपकी आगे की कार्रवाई जो कि आगे आपको करनी होती है। ठीक है, अभी मान के चलिए जैसे ही वो सिंगर गा रहा था गाना, वो गाना गा रहा था यहाँ, मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, तो इस तरीके से वो गाना गाया जा रहा था। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा। अभी जरूरी नहीं है कि ये गाना अगर उस सिंगर ने यहां से गाया तो वो गाना यहीं से ही बजेगा। ये आपको मैं एक और तरीका बताता हूँ। मैं अगर मान के चलिए इसी गाने को मैं यहां से, मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, गाना कहीं से भी निकाल सकते हैं। एक चीज ये भी आपको क्लियर होगी कि गाने का कोई भी जो चीज हो वो फिक्स नहीं होती। हर एक इंसान अपने हिसाब से गाना कहीं से भी निकाल दे, भले ही उस सिंगर ने कहीं से भी गाना गाया, वो आपके ऊपर निर्भर है, बजाने वाले के ऊपर निर्भर है कि आपको वो गाना कहाँ पे निकालना है। ठीक है, अभी दूसरा स्टेप है कि हम गाने को निकालते कैसे। देखिए, गाना निकालने का एक तरीका है, भागदौड़ बिल्कुल नहीं चलेगी इसमें। बिल्कुल आपको ठंडे दिमाग से बैठना पड़ेगा हारमोनियम लेकर, और पूरी एक एक चीज जैसे एक एक लाइन आपको ध्यान से निकाले। जैसे अभी मान के चलिए हम ये गाना यहां से निकाल रहे हैं, हमें वो गाना यहां से निकालना है। सबसे पहले इस स्वर को सुनिए, जो जिस स्वर से भी आपको गाना निकालना है, पहली चीज तो गाना आपको अच्छे से सुनाओ, फिर दूसरी चीज है कि जिस स्वर से भी आपको गाना निकालना है वो उस स्वर को पहले महसूस करिए, उसको फील करिए कि उसकी आवाज कितनी ऊंची है। अभी मैंने महसूस कर ली इसके बाद, मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, मैंने अभी इस स्वर को महसूस करके मैंने अपनी आवाज को इस स्वर के हिसाब से ढाल लिया है, यानी कि मैंने अपने रेंज को, यानी कि पहले हम वो गाना अगर मान के चलिए वो सिंगर यहां से गा रहा तो उसकी जो स्वर की रेंज थी वही, तो वो यहां से महसूस करके उस गाने को गा रहा था। अभी मान के चलिए मेरे को गाना यहां से निकाला, तो मेरे को इस स्वर को महसूस करना होगा, पहले उसको समझना होगा कि उसकी जो आवाज है वो कितनी ऊंची है। मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, हो सकता है मैं अच्छा नहीं गा सकता, बट वो चीज नहीं मैटर करती, मैं जो चीज बताने चाह रहा हूं आपको वो चीज समझनी है। अभी देखिए, मैं अभी इसको वैसे ही निकालता हूं, देखिए देखिए, अभी मैंने निकाल लिया क्योंकि मेरे को निकालने का एक्सपीरियंस है। अभी मान के चलिए अगर आपको यही गाना आपको निकालना होगा तो आपको कैसे करना हो, तो आपको एक एक बोल पकड़, सबसे पहले मेरा कर्मा, पहले आपको मेरा कर्मा ही निकालना है, कुछ नहीं, बाकी सारा गाना कुछ मर्जी हो, कुछ मर्जी गाया जा रहा हो, बट आपको पहली लाइन पर ही फोकस, मेरा कर्मा मेरा कर्मा तू, फिर महसूस करें कि गाना ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है। मेरा कर्मा, तो ऊपर की तरफ जा रहा है तू, फिर गाना ऊपर की तरफ जा, मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, इस तरीके से गाना चलता है। कोई भी देशभक्ति गीत ले लीजिए, आपका देशभक्ति गीत हो, जब भजन हो, सब ऐसे चलेंगे। अभी मैं इसलिए देशभक्ति गीत गा रहा हूँ क्योंकि हमारा रिपब्लिक डे आ रहा है, तो इस वजह से काफ़ी लोग जो होते हैं वो इस टाइम में देशभक्ति गीत सीखना चाहते हैं, तो उनकी जो प्रेफरेंस होती है वो इस टाइम देशभक्ति गीतों को ज़्यादा होती है, तो इसलिए मैं कोशिश यही कर रहा हूँ। तो अभी मान के चलिए कोई और देशभक्ति गीत लेते हैं हम, वो भी अगर निकालो तो हम यहाँ से महसूस करके निकाल देते हैं। ठीक है, अभी मान के चलिए मेरे को यहाँ से गान, मेरे वतन के लोगो, अगर मेरे को ये महसूस करना हो तो मैं ये भी निकाल, देखिए, मेरे वतन के लोगो जरा आँख में भर लो पानी, तो इस तरीके से पहली तो वो फील होनी चाहिए आपको, महसूस करने की
उसको स्वर को महसूस करना आना चाहिए। जिस दिन आपको महसूस करना आ गया ना, उस दिन आपको आगे वाले स्टेप ऑटोमेटिकली पता चलने लग जाएंगे। जब अगर आपको ये स्टेप नहीं आता तो आप गाना नहीं निकाल पाएंगे। सबसे पहली होती है कि स्वर की सही चौन होनी ज़रूरी है। अगर आपने सही स्वर की चौन कर ली ना, आप स्वर की सही पहचान कर ली, तो आपके लिए गाना निकालना कोई मुश्किल नहीं है, गाना बजाना भी कोई मुश्किल नहीं। हर एक गाने दुनिया के ऐसे ही निकलेंगे, चाहे वो भजन है, चाहे देशभक्ति गीत है, कुछ भी है, जैसे कि मैंने इस वीडियो में काफ़ी बार बोल दिया आपको। तो ये छोटी सी कोशिश थी आप सबके लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए वीडियो। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।